नूर अहमद साहब, एक एक बात बताइए, क्योंकि देखिए आफाक साहब उठा रहे, क्या मुस्लिमों का विकास नहीं हो रहा है? क्या मुस्लिमों को रोजगार नहीं मिल रहा है? क्या मुसलमानों को पक्का मकान नहीं मिल रहा है? क्या मुसलमानों को आयुष्मान कार्ड नहीं मिल रहा है? क्या उनको घर नहीं मिल रहा है? क्या उनको राशन नहीं मिल रहा है इस सरकार में? ये सरकारी योजनाएं हैं। हाँ, तो मिल रहा है नहीं मिल रहा है? फिर आप ये भड़काऊ बयान तो ना देना। सुन लो ना। हाँ। सरकारी योजना अगर अगर मुसलमानों को हटा करके दी जा सकती थी तो ये लोग दे देते, मुसलमानों को नहीं देते। मैं कह रहा हूं और दावे के साथ मैं बोल रहा हूं, ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं। मनोज जी जल्दी से जवाब दीजिए, आप पर ये आरोप लगा रहे। देखिए जेपी जी, आरोप विवेक जी, आरोप सरकार रहती थी, सपा की सरकार रहती है, ये चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव का होता था कि जिस प्रकार से हिंदू लड़कियों को 20,000 रुपया दिया गया था और मुस्लिम लड़कियों को 30,000 रुपया दिया गया था, आज ये कहना चाहिए आपका भी सरकारी योजना थी? अरे चुप कराइए भाई, ये तो चुप कराइए तो पास होगी ना। हिंदुओं का इस्तेमाल इस्तेमाल करते हैं ये लोग। अरे सुन लीजिए बताइए ना, ये चुप कराइए। हाँ सुनिए, यही अखिलेश यादव की सरकार रहती थी, किस तरह से भेदभाव होता था, हिंदू लड़कियों को 20,000 रुपया कन्यादान और मुस्लिम लड़कियों को 30,000 रुपया कन्यादान। और यही आगे चलिए कि ये सरकार योजना थी, हमने बर्दाश्त किया, हमने अखिलेश यादव के अंदर को भी बर्दाश्त करने की क्षमता, हम सब देशवासियों ने देखा है, लेकिन तब भी हमने कुछ नहीं बोला। राजनीतिक संविधान का हम संघ कोर का सम्मान करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संविधान आप ऐसे भड़का बोल रहे। विवेक जी आप कुछ कह रहे हैं? मनोज जी रुकिए, नूर साहब आप भी रुकिएगा, ठीक है? नूर साहब रुकिए, विवेक जी का एक रिएक्शन ले ले, आ रहा हूं मैं, फिर बाकी और भी मेहमान के पास जाना मुझे, ठीक है? अरे मनोज जी रुक जाइए, विवेक जी को मौका दीजिए। अरे ठीक है, मनोज जी रुकिए ना, विवेक जी मैंने, हाँ मैंने बड़ी शालीनता से सुना, मैं निवेदन करूंगा, दो मिनट मुझे दीजिएगा इंटरप्ट किए बिना। 26 अक्टूबर 22, 21 मार्च, 20 मार्च 2021, उसके बाद मैनपुरी जीत के बाद 29 अगस्त 2022 सब परिवार अखिलेश जी गए थे मथुरा दर्शन करने, बाकायदा बांके बिहारी के गए सर, जन्मस्थली नहीं गए, परिवार गए थे दर्शन करने सर, बांके बिहारी मंदिर गए। मेरी बात आ जाए, मेरी तो जवाब दे दीजिए ना सर, मेरी बात आ जाए। हाँ, नॉन इंटरप्ट दे दीजिए मुझे, ठीक है? हमारी आस्था है, सुनिए, हाँ। हमारी आस्था है, हम उसका राजनीतिकरण नहीं करते। आगे मेरी बात सुन लीजिए, अभी हमारे पर आरोप लगे कि भेदभाव होता था, चलिए समाजवादी श्रवण यात्रा के बारे में मीडिया से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा, किसी दिन रख लीजिएगा, समय दे दीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को जो 25,000 की धनराशि मिलती थी, 50,000 समाजवादी पार्टी ने करने का काम किया। ऐसे बहुत सारे, मैं मंदिरों के नाम गिनवाना शुरू करूंगा, चंद्रोदय मंदिर का काम आज कितना पूरा हुआ, 22 में तो उसको पूरा होना था भाई, एशिया की सबसे बड़ी इमारत जिसमें कि भगवान राधा कृष्ण की स्थापना के साथ उसकी भव्यता पूरा विश्व देखता, लेकिन उसको रुकवाने का काम क्यों किया गया भाई, क्यों उसका काम नहीं हुआ पूरी तरीके से, ये इनके ऊपर सवाल है। और दुखद बात यह है कि भाजपा के नेता जिस मंदिर में पैर रख देते हैं वहां विवाद शुरू हो जाता है। मोदी जी गए इतने सालों में पहली बार, ये आपकी उपलब्धि है? अरे सब परिवार जाते भाई, सब परिवार जाते, बिना राधा कृष्ण के दर्शन तो परिवार प्रेम का प्रतीक है। मोदी जी अकेले पहुंच गए राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने, जहां भाजपाइयों के पैर पड़ जाते हैं वो मंदिर, वो धर्म, धार्मिक स्थल विवादित हो जाता है। सबसे दुखद बात यह है, केवल और केवल विपक्ष को एक एक करके बात रखे, गलत प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूँ, मंदिर है, ठीक है? ठीक है, विवेक जी बात हो गई, मनोज जी आपकी बात हो गई, मैं साधवी किताबा जी से, साधवी किताबा जी आपने सुना, विवेक पांडे जी को सुना, भावना के साथ उसके सुरक्षा से खिलवाड़ करने का काम किया। आप मानोगे इसको कि वहाँ पे किसी जगह सुनी का जो फैसला आया वो आप ये समाजवादी के लोग मानेंगे इसको? आप क्यों बोल रहे हैं, कोर्ट जो निर्णय देगा करेंगे। आप ये बताइए, अयोध्या की मस्जिद का श्रेय क्यों नहीं ले रहे भाई? राम मंदिर का श्रेय लेना चाहते हैं, अयोध्या की मस्जिद कब बनेगी, सरकार उसको क्यों नहीं बनाना चाहती? अरे बताइए ना, आप तो दो सबका साथ सबका विकास, मस्जिद का काम पूरा हुआ, मस्जिद जो भी बननी थी ना, जो मस्जिद आप लोगों ने गिरवाई थी, ठीक है? मनोज जी आपकी आवाज नहीं आ रही, क्योंकि देखिए आप लोग स्काइप से जुड़े हुए हैं तो क्लियर आवाज नहीं आती है जब आपस में विवाद। अभी रुकिए, साध्वी किताबा जी से एक रिएक्शन, फिर मैं वकील साहब के पास चलूंगा। साध्वी किताबा जी, आपने सुना समाजवादी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं, देखिए हमने हर धर्म को साथ लेकर चले, हिंदू धर्म को भी, और उनके लिए ये किया हमने, कभी नहीं। विवेक जी तरवंगा गलत बोल रहे हैं, कभी भी नहीं ये किसी धर्म को लेके नहीं चले, इनका बस खाली मौलाना धर्म रहा है, इनका ईसाई धर्म रहा है, और इनके पास कोई धर्म ही नहीं है, ये बिना धर्म के है। मंदिर बनाने से
और वहां जाकर के घंटी बजाने से हमें नहीं मतलब है, हमें मथुरा से मतलब है। आप मथुरा जन्मभूमि में जाइए, 10x15 के रूप में भगवान पैदा हुए हैं। इतना बड़ा कंस था राजा वहां का, और उतना बड़ा राजा कंस था वो 15x10 के कमरे में भगवान को उत्पत्ति करने के लिए दिया गया था, अपनी बहन को रूम दिया था, बताइए जरा। और उसमें मस्जिद की तरफ जाने पर, जब मंदिर में हम जाते हैं तो बाएं तरफ मस्जिद का दरवाजा जो है वो आज भी पत्थर से बंद है, जो हमारे यहाँ आकृति बनी हुई है जो पूरी दिखाई रहती है। जब सर्वे होगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। विवेक जी आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों की तरफ बात करो, और आप सनातन धर्मी हो, सनातन धर्मियों की तरफ बात करो। आप पार्टी से बात मत करो, इस समय आप इस लेवल पर बैठे हो कि आप अपनी बात सबसे कह सकते हो, आप अपने ब्राह्मणत्व को जगाइए। रह गई बात यह कि सपा कभी भी सर्वधर्म सम्मान न दी है न देगी, हमेशा ये सन्यासियों के खिलाफ रही, हमेशा ये हिंदुओं के खिलाफ रही, हमेशा सनातन धर्म के खिलाफ रही, और आज भी सनातन धर्म के खिलाफ है। विवेक जी आप शांत हो जाइए, जब तक आपने बोला हमने नहीं बोला। आप सनातन धर्म का अपमान कर रही हैं, नहीं नहीं नहीं, आप सनातन धर्म का अपमान कर रही हैं, गलत तथ्य प्रस्तुत करके। कहीं ना कहीं आपका भी आपके भी कोई दुष्ट होगा। आप संत हैं, आप संत हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, आप अगर गलत तथ्य प्रस्तुत करेंगे तो वो स्वीकार नहीं होगा। इस बात को कहिए कि नहीं, वहाँ जन्मभूमि थी, वहाँ मस्जिद नहीं था, वो सनातन धर्मियों का है, वो किसी पार्टी का नहीं है। कि वहाँ तो देखिए हिंदुओं के आस्था है, वहाँ मंदिर को तोड़ा गया तब मस्जिद बनाई गई, वही अयोध्या में हुआ, वही वहां पर काशी के अंदर है, और वही स्थिति जस की तस मथुरा के अंदर है, ये लोग दावा कर रहे हैं। शायद बहन को संविधान पर यकीन नहीं है या कोर्ट पर यकीन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने खुले लफ्जों में कहा है, मैं गीता माजी और नूर को लाइएगा स्क्रीन पर, ये साबित ही नहीं हुआ है। एएसआई की रिपोर्ट, ये साबित कर चुकी है कि कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाया गया था। एएसआई की रिपोर्ट ने यह साबित किया है, एएसआई की रिपोर्ट ने साबित किया है कि 19 सर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप चैलेंज कर रहे थे, एएसआई की रिपोर्ट ने साबित किया था कि 1952 भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल इन आतंकवादियों ने बच्चे को तोड़ा था। ये सभी बात नहीं है, यहाँ हमारे सनातन धर्म की बात है, हमारे वहाँ तीर्थ की बात है, मेरे यहाँ सात पुरिया है। अरे सर कोर्ट से बड़ा तो नहीं ना नूर अहमद साहब कोर्ट है ना, अदालत है, वो किसके लिए है, कैसे सत्ता का फायदा उठा लेंगे लोग। हम सुप्रीम कोर्ट की तारीफ कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है सच बात है, उनके 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 पक्ष में फैसला दिया। सुरेश मिश्रा जी आप तो हिंदू पक्ष के वकील हैं, अब ये क्या ये कानून पर भी सवाल उठाएंगे क्या फिर? ये कानून को मानते ही नहीं है, ये कानून को मान ही नहीं, इनको पहले पता है कि हमारे खिलाफ ही रिपोर्ट आएगी। जब इन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, जब इन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, हम तो कानूनी लड़ाई लड़के ले रहे हैं। अभी तो माननीय उच्च न्यायालय ने यह फैसला किया है कि उसको कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, सर्वे में अगर आएगा तभी तो हम ले लेंगे, हम कोई जबरदस्ती थोड़ी ले लेंगे। लेकिन इनको हमारे कानून पे भरोसा ही नहीं है, तो पहले से कहना मुझे पता है यही फैसला आएगा, ये उसको मानने के तैयार नहीं है किसी भी कीमत पे। हम तो हर जगह पे इनकी बात रख रहे हैं कि आप हमारी बात को मानी जैसे जामा मस्जिद में 1670 में तोड़ा हमने कहा चेक करा लीजिए, अगर सीढ़ियों में हमारे भगवान केशवदेव की मूर्ति है तो हमें दे दिया जाए, सीढ़ी बनाने का भी पैसा हम दे रहे हैं, निकालने का भी पैसा दे रहे हैं, लेकिन ये मानने तैयार नहीं है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने अगर फैसला कर दिया है कि उसको कमीशन के द्वारा जांच करा लिया जाए, जांच होगी अगर उसमें हमारे साबूत पाए जाएंगे हमारा मंदिर इन्होंने तोड़ा होगा तभी तो हम लेंगे उसको। हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहते, लेकिन इन लोगों ने तो ये हमें तमाशा बना रखा कि अभी हमको पहले से पता है हमको नहीं मिलना है, ये पहले से बता रहे हैं हमारे भाई, पहले से बता रहे हैं कि हमारा फैसला ही जाना है।
ये हकीकत है, चूंकि अदालतों को भी आपने तो नूर अहमद साहब प्यार से दे दीजिए फिर, ऐसा कुछ नहीं। अरे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं सर 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 नूर अहमद साहब हिंदू मुसलमान होगा ही नहीं। नूर अहमद साहब काम करें, अरे रुके रुके नूर